पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला टेक्निकल एजुकेशन कर्मचारी यूनियन द्वारा कांट रोड स्थित MIT में बिना पूर्व सूचना 23 कर्मचारियों को निष्कासित करने पर सभी ने कड़ी आपत्ति जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि 3 साल से संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का अचानक निष्कासन सरासर गलत है। MIT को निष्कासन वापस लेना होगा। सभी ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कर्मचारियों को कोई भी सूचना नहीं दी गई और सिर्फ एक मेल भेजा गया जिसमें कहा गया कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने CEO ऑफिस का घेराव किया और निष्कासन वापस करने की मांग की है। तो वहीं अंबेडकर पार्क में MIT के खिलाफ पुरजोर विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान विजय शंकर चौबे, प्रदीप शर्मा, धर्मेंद्र सागर, पुनीत सैनी के साथ और भी लोग मौजूद रहे। इसकी वजह यह है कि हमारा जो MIT प्रशासन है, उन्होंने राज्य सरकार के नियमानुसार वेतनमान लागू किया था। अब उसके पश्चात इन्होंने लागू कर तो दिया, परंतु पिछले 4 साल से इन्होंने ना तो हमें DA दिया है ना ही TA दिया है। अब उसके पश्चात कल 5/1/2019 को रात के 10:22 पे मेरे पास में कॉल आती है कि आपकी सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी गई है। मेल के मतलब कॉल नहीं, ईमेल कर दी गई है, ईमेल मेरे पास में आ गई। अब हमारी मांग ये है कि जब हमारा मुकदमा उप श्रमायुक्त मुरादाबाद के समक्ष लंबित है, उसके बीच में आप किस तरीके से हमें डिसकंटिन्यू कर सकते हैं सर्विस से। अब आज रविवार है, इस कारण से हमें यहाँ पे ये आंदोलन करना पड़ा और अपने साथियों को यहाँ पर बुलाना पड़ा ताकि हम कल की रणनीति वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें कार्यालय। ठीक है, क्या वजह रही है निलंबित करने की? हठधर्मी है इनकी कि मतलब हठधर्मी इस तरीके से, मतलब इनका विचार ये था, इनके अपने मुंह से ही मुझे सुनने को ये मिला था, मतलब मेरे से ही बात इन्होंने करी थी ये कि हम तो भैया ठेके पर रखेंगे व्यक्ति को। ये समस्त कर्मचारियों को निकालना चाह रहे हैं, समस्त कर्मचारी को निकालना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग आगे क्या चाह रहे हैं? मांगे पूरी करवाना चाहते हैं।